तो भाई करते हैं इसके रिव्यू की बात। उन्होंने बहुत अच्छी चीज करी है कि इसके अंदर ये हैंगिंग वाला देख। भाइयों क्या हाल है सभी का, फिर से स्वागत है विनाश फिटनेस क्लब में। तो भाइयों आज हम रिव्यू करने वाले हैं बीच लाइफ का प्रो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, जो कि मैंगो फ्लेवर। यार बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि भाई इसका टेस्ट और रिव्यू वगैरह करो एक बार कैसा है, क्योंकि जो इसका चॉकलेट फ्लेवर था यार वो तो ज़्यादा खास नहीं था। मैंने मैंगो फ्लेवर मंगवाया है, तो देखते हैं भाई इसका कैसा होगा टेस्ट। बाकी करते हैं प्रोटीन की बात। 24 ग्राम्स आपको मिलेगा प्रोटीन, 5.3 ग्राम BCAA मिल जाएगा आपको। बाकी पैकेजिंग की बात करें तो यार इससे पहले वीडियो डाली थी, पैकेजिंग तो एक नंबर है, कोई भी मतलब हल्की पैकेजिंग नहीं है, बॉक्स वगैरह बहुत सही है इसका। बाकी आप देख सकते हो पीछे इन्होंने जो मेंशन करा हुआ है कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हो, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट के अंदर 200 से 300 ml पानी आपको लेना है, एक स्कूप आपको यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एक स्कूप है कितने ग्राम्स की, पीछे चलते हैं भाई न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में। इसकी एक जो इसका स्कूप है वो अराउंड अराउंड भाई 31 ग्राम का इसका स्कूप है अप्रॉक्स, और वन हीपिंग स्कूप आपको यूज़ करना है जिसके अंदर आपको मिल जाएगा भाई 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 32 ग्राम आपको मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, 1.20 आपको मिल जाएगी शुगर, बाकी इसके अंदर आपको और BCAA वगैरह भी मिल जाएंगे। आप इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल आप जाके देख सकते हो, ये आपके सामने है। और बात करते हैं भाई इंग्रेडिएंट्स की, वे प्रोटीन कंसंट्रेट नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग आपको मिल जाएगी, सब्सटेंस मैंगो फ्लेवर है और अल्ट्रा एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिलेगी, बाकी स्वीटनर भी इसके अंदर यूज़ की है। तो लेट्स सी अब इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। पोस्ट मैंने वर्कआउट कर लिया, बैक का वर्कआउट करा, मैंने कहा चलो पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में यही यूज़ करते हैं और आपको इसका देते हैं रिव्यू। ये स्कूप आप हैंग इसमें हैंग कर सकते हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका यूज़ करेंगे भाई वन हीप स्कूप, मैं पोस्ट वर्कआउट के अंदर ये टू स्कूप यूज़ करता हूँ तो मैं टू स्कूप ही लूँगा। मैंने लिया अराउंड अराउंड भाई 300 ml पानी लिया है, फिर इसका टेस्ट देखेंगे भाई कैसा आने वाला है। और ये मैंगो फ्लेवर है, लेट्स सी मिक्सिबिलिटी वगैरह इसकी कैसी है आपको बताता हूँ। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करेंगे, नॉर्मल इसको मिक्स करेंगे, लेट्स सी यार कितना मिक्स हो जाएगा ये। भाई ये खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, वो इसकी सेम वैसे ही इसकी स्मेल है, बाकी अब देखते हैं टेस्ट कैसा होने वाला है और मिक्सिबिलिटी कैसी है। बाकी क्वालिटी वाइज फाइन क्वालिटी है, इससे पहले मैंने यूज़ कराया चॉकलेट फ्लेवर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी रिव्यू करा था। अब देखते हैं भाई ये ठीक है ये वाला कैसा, ये कंसंट्रेट है वो था भाई आइसो, अब देखते हैं भाई ये भाई टेस्ट तो सच में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। सेम ऐसा लग रहा है कि भाई हम मैंगो शेक पी रहे हैं, लिटरली बहुत बढ़िया टेस्ट है क्योंकि इसके अंदर स्वीटनर भी ऐड किए हैं, इस वजह से इसका टेस्ट भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। चॉकलेट फ्लेवर में कोई भी स्वीटनर ऐड नहीं थे, उसके अंदर नेचुरल स्टीविया ऐड किया हुआ था बस, इसलिए उसका टेस्ट ज़्यादा खास नहीं है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिक्सिबिलिटी वगैरह भाई टेस्ट का जरा से भी लाउंस नहीं है, बहुत ही टेस्टी है प्रोटीन, आप बाय कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई नई वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।